बच्चों कैसे हो आप सब। माय नेम इज सानिया नायर और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटोर और स्वागत करती हूं आप सभी का एक्सपेरिमेंट्स की दुनिया में। तो चलिए आज केमिस्ट्री का एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसका एम है टू एग्जामिन द केमिकल चेंज इन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैम केमिकल चेंज क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल है स्वीटी। एक ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं उन्हें कहते हैं केमिकल चेंज। तो आइए देखते हैं कि आज के एक्सपेरिमेंट में हमें केमिकल चेंज कैसे देखने को मिलेगा। तो एक्सपेरिमेंट का एम तो समझ आ गया, अब आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट ऑल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए मैग्नीशियम रिबन, है ना, वो तो चाहिए ही है। उसके बाद हमें चाहिए फिनोफ्थलीन, देन रेड लिटमस, ब्लू लिटमस। ये सब जो सामान है वो आपको मिलेगा फंडू एक्सपेरिमेंट किट में। अब दूसरी तरफ चलते हैं, हमें चाहिए पेट्री प्लेट, हमें चाहिए मैच बॉक्स, कैंडल, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब्स एंड ग्लव्स, एंड ये सब आपको मिलेंगे इनोवेशन किट में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें चाहिए पानी, वो आपको मिलेगा आपके घर पे। तो चलिए मटेरियल्स रिक्वायर्ड हो गया, अब आगे बढ़ते हैं एंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। बट डोंट फॉरगेट ग्लव्स पहनना बहुत जरूरी है। ग्लव्स ऑन। सबसे पहले हमने कैंडल ली, कैंडल को जला लेते हैं। उसके बाद हमने लिया मैग्नीशियम रिबन। अब हमारा एम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो हमें मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना रहेगा, राइट? तो ये हमारी कैंडल है, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, सो लेट्स बिगिन। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, और ये जो बर्न हो रहा है ना, हमें इसके पाउडर को कलेक्ट करना है पेट्री प्लेट पे। ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर जो मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने से बना है, ठीक है, विच इज व्हाइट इन कलर। अब हमें इसे कलेक्ट करना है एंड वी हैव टू एड वॉटर टू इट। तो चलिए निकालते हैं एक टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा सा पाउडर ले लेंगे। थोड़ा सा हमने पाउडर जो है टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। नाउ लेट्स ऐड वाटर टू इट। हमने इसमें वाटर डाला है, इसे अच्छे से हम शेक करेंगे। ग्लव्स पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम इसे अच्छे से शेक कर रहे हैं। हमने इसे बहुत अच्छे से शेक कर लिया है, तो चलिए इसे रख देते हैं टेस्ट ट्यूब स्टैंड में। मैम एक्सपेरिमेंट में तो बहुत मजा आया, बट फिनोफ्थलीन एंड लिटमस का क्या काम? तो चलिए भाई, फिनोफ्थलीन एंड लिटमस पेपर क्या होते हैं? ये इंडिकेटर्स होते हैं। तो पता है अब हम क्या करने वाले हैं? क्या पता करने वाले हैं मैम? अब हम ये चेक करने वाले हैं कि हमने जो ये बनाया है इसका नेचर कैसा है। तो आइए देखते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है। अब हमने इसको एक टेस्ट ट्यूब में बना लिया है, तो इसे थोड़ा सा इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। अब हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब्स में हमने ले लिया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिनोफ्थलीन डालेंगे। और याद है ना, एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कलरलेस ही रहता है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है। तो अब देखते हैं कि क्या मैजिक होने वाला है। इसमें अब हम डालते हैं अपना फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, तो देखते हैं क्या मैजिक होगा।
वाओ, हमें क्या कलर देखने को मिला? हमें पिंक कलर देखने को मिला। तो बेटा जो ये चीज बनी, हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर लिया, उसे पानी में मिक्स करा एंड जो नई चीज बनी उसका नेचर कैसा है? इट इज बेसिक इन नेचर। चलिए, इससे तो हमने कंफर्म कर लिया, एक और कंफर्मेशन टेस्ट कर लेते हैं। चलो, अब हमने क्या लिया? हमारे पास है एक रेड लिटमस पेपर और हमने ले लिया एक ब्लू लिटमस पेपर। अब हम जानते हैं क्या आब्राकाडाब्रा ABR एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, एंड फिर हम जानते हैं BRB, बी राइट बैक नहीं, BRB मींस बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो अब देखते हैं कि कौन से लिटमस पेपर का कलर चेंज होने वाला है। तो एक है मेरे पास रेड लिटमस और एक मैंने ले लिया ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो अब मेरे पास ये है, अब मैंने इसे डाला रेड लिटमस पे एंड साइड बाय साइड मैंने इसे ब्लू लिटमस पे भी डाल दिया। तो आइए देखते हैं हमें कलर चेंज कहाँ देखने को मिलेगा। तो देखिए हमें क्या देखने को मिला, ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो कलर चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर। बट जो रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया क्योंकि बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो इससे हमें क्या जानने को मिला, इससे हमें ये जानने को मिला कि ये जो हमारा सब्सटेंस है ना, ये बेसिक इन नेचर है। तो समझ आया स्वीटी आपको कि इंडिकेटर्स का यूज क्यों करा हमने? यस मैम, समझ आ गया। तो चलिए बच्चों, जानते हैं कि हमने आज के एक्सपेरिमेंट में क्या सीखा। आज के एक्सपेरिमेंट का एम था कि हमें केमिकल चेंज को समझना था। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा, तो बर्निंग से पहले मेरे पास केवल मैग्नीशियम था Mg, बट जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ तो मुझे मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज MgO, मतलब एक नया सब्सटेंस बन गया। फिर जब मैंने उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के पाउडर को पानी में मिलाया तो मुझे मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पहले मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था, अब केमिकल चेंज हुआ एंड एक नया सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नेचर को हमने जाना दैट इट इज बेसिक इन नेचर। तो बच्चों, ये था आपका आज का एक्सपेरिमेंट। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। बाय बाय।